अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोशी ब्यूटी एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट शेयर करूंगी वो है हमारे पास ये सेंसिटिव बार, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है, और ऐसे ऐसे लोग जो एंटी एजिंग की तरफ जिनकी स्किन जा रही है या 30+ 35+ हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर रिंकल आना स्टार्ट हो गए हैं, एंटी एजिंग स्किन है, या फार्मूला क्रीम को यूज़ कर करके उन्होंने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है, तो उसको हम कुछ बेहतर बना सकते हैं। और जो स्किन ड्राई होती है उसके ऊपर रिंकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं और हमारी स्किन हर वक्त खिंची खिंची सी फील होती है, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट करें ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा उठा सकें। तो इस सीरीज में हम लोग जो हैं वन बाय वन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरी कज़न को जो है डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की थी। उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई, समर्स हों विंटर्स हों, ओवर ड्राई स्किन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और उसके ऊपर स्किन के ऊपर रिंकल्स भी आना स्टार्ट हो गए थे और रिंकल्स हैं भी। तो उस डॉक्टर ने जो है उनको जो प्रोडक्ट्स शेयर बताई थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस सीरीज़ में, क्योंकि अगर मैं तमाम प्रोडक्ट्स एक ही वीडियो में बता देती तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी। तो आप लोगों को वन बाय वन डिटेल रिव्यू दूंगी मैं उन तमाम प्रोडक्ट्स का। तो ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या एंटी एजिंग की तरफ जा रही है, फार्मूला क्रीम्स यूज़ की हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन रखें ताकि आपको तमाम वीडियोस का जो है वो पता चल जाए और आप लोग देख सकें जो हम इस सीरीज में जो है स्टार्ट करेंगे और शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है स्किन केयर में जो है हमारी क्लिंजिंग होती है। आप क्लिंजिंग चाहे आप कोई फेस वॉश यूज़ करते हुए कर रहे हैं या सोप, तो वो आप लोगों ने लाजमी करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सोप जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी कज़न को जो है डॉक्टर ने रिकमेंड किया था फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन और एंटी एजिंग स्किन के लिए। क्योंकि जब तक ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती, जब तक हमारी स्किन सॉफ्ट नहीं होती, तब तक वो जो है और कोई चीज़ उसके ऊपर असर नहीं करेगी। सबसे पहले हमने ड्राइनेस को ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो सोप है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। इससे ड्राइनेस जो चाहे विंटर्स हों समर्स हों उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी। तो ये जो सोप है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। इसको आप नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी पर, उसके अलावा आप इससे फेस वॉश भी कर सकते हैं। तो वो पहले एक सोप यूज़ कर चुकी है, उसके बाद ये एक नया सोप है, क्योंकि अब ड्राई स्किन है तो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको आप रेगुलर भी यूज़ करेंगे और मेडिकेट चीजें, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सेंसिटिव बार है जो कि मेंटेन करता है द नेचुरल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ऑफ स्किन एंड जो है पीएच को, स्किन की पीएच को बैलेंस करता है, और ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर वो सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया है कि आपने यूज किस तरह से करना है, इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, फैट और फैटी एसिड्स हैं इसमें। इसके अलावा ये नेचुरल जो है न्यूट्रल पीएच बार है जो कि ड्राई और सेंसिटिव और डेलिकेट स्किन के लिए है। इससे ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है उसकी, और जैसे पहले हैंड फीट और फेस उसका ड्राई रहता था वो बिल्कुल इस वक्त जो है स्मूथ हो चुके हैं। और ये जो सोप है इसकी जो वेट है, जो इसकी क्वांटिटी है वो 90 ग्राम है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से की जो है पैकेजिंग में आता है, और काफ़ी अच्छा ये सोप है। इसको मैंने भी पर्सनली भी यूज़ किया था, क्योंकि जब मुझे एलर्जी वगैरह हो गई थी बॉडी के ऊपर, तो उसके लिए भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं सोप के, क्योंकि जब एलर्जी होती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है जिसकी वजह से इचीनेस होती है, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ था पीछे कि इसको आप लोग जो है एडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसका कोई नुकसान नहीं, बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग इस सोप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है, आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी और एक्सपायरी डेट भी इसकी मेंशन की हुई है। तो हमारी स्किन ड्राई जो स्किन केयर सीरीज है उसमें तमाम मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले ये सोप था। अगर आप लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई और विंटर में और भी ज़्यादा ड्राई होती है तो एक बार इस सोप को लें और लाजमी ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ड्राइनेस की जो आप लोगों की कंप्लेन होगी वो इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। उसके बाद मॉइस्चराइज तो यकीनन हमें करना ही होता है स्किन को,
तो ये थी हमारी स्किन केयर ड्राई स्किन केयर सीरीज की फर्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ में आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को आप लोग आसानी के साथ देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।